ये है उना गुजरात, जो आप देख रहे होंगे दीप के पास है। तो हम बस स्टैंड से निकल रहे हैं यहाँ से। लेट्स गो। चलो गाना लगवाना था परी। जब पापा के मैसअप सुने ना, तब मुझे लगा कि मैं सच में बोरिंग गाने बजाती हूँ। आपने मैसअप लगवाया ना लास्ट में, तब मुझे लगा कि मैं सच में बोरिंग गाने बजाती हूँ, इसलिए आप कह रहे थे। मेरे बोरिंग सही में बोरिंग थे क्या? नहीं, मेरे सच में बोरिंग थे। मैशअप अच्छा लगा मुझे। ये ब्रिज, ब्रिज है, मोबाइल पकड़ लो, खड्डा वाला ब्रिज है। लाख में का मोबाइल है। वाओ, ये सब देख के कह रहे शिवबाऊ। आगे तो सुनो, हमारे आदरणीय चाचा जी ने लखटकिया घर बना दी थी, है जिसमें 4 लोग ढल के घूम सकते थे। और एक ये सैमसंग है, लाख रुपए का मोबाइल बनाया जो जेब में आ जाता है। लाख रुपए की गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठ सकते थे। टाटा को मोबाइल लॉन्च करना चाहिए अब। तो यही मोबाइल वो 10,000 में लॉन्च कर देगा। क्या बात कर रहे, इम्पॉसिबल है 10,000 में। फीचर्स कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पेट्रोल भरवा के हम चल देंगे। देखो कितना सुंदर रास्ता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल वी। आपका बेल्ट का एग्जाम भी आ गया है नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक 31st या 30th। हाँ तो अपन देखो अब आ गए गांव पे, और गांव में गांव का पुल है गाय भैंसों से भरा हुआ। अरे ये नदी है बगल में, बढ़िया घाट है, मतलब ये नदी नहीं बोलते, घाट है। रुको रुको दिखाती हूँ, इस तरफ भी। अरे वाह, इस तरफ का ज्यादा अच्छा व्यू है, कितना बढ़िया नेचर एकदम, सुपर डुपर रास्ता। ये कितना प्यारा झरना है, देखो कितना प्यारा झरना, और सब ये प्यारा सा रास्ता। ये अभी बारिश हुई है यहाँ पे, रास्ता और मौसम दोनों ही औसम है। हम इसका मजा लेते हुए जा रहे हैं आराम से, मजे से। गाने इसलिए स्लो कर दिया है क्योंकि वीडियो में आएंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। आजू बाजू हम लोग दमदार गाने भी सुन रहे हैं। आजू बाजू खेतों में फसल देखते हुए जा रहे हैं, बातें करते हुए, मजे रास्ते के लेते हुए। क्या बात कर रही, लोग क्या जलेंगे, लोग खुश होते हैं बेटा। ये देखो आप भी मजे लो। अमरेली 71 चलाला 48। ओके, अमरेली भी काफी डेवलप्ड है बाय द वे। आप पूछे हो यार, आप पूरे नहीं आ पाते। रास्ता देखो, रास्ता कितना मस्त। अरे गाना, कॉपीराइट से बचाओ भाई, पैसे मिलने चाहिए। ये है रास्ता, खूबसूरत रास्ता, काफी टाइम से अब
ये गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आरओ मिलदलवानी की सुविधा, 24 क्लास गर्भपरास नु पानी, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, स्ट्रीट लाइट, गटर, धोबी घाट, सह शौचालय, वोट पे इन्होंने लिखा रखा है। ये देखो कुछ सुंदर मूर्ति है, आगे बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने गाय वाला, गाय वाली जो जेल मेरे हिसाब से कृष्ण जन्म की है क्या है वो, दोनों तरफ भी बहुत सुंदर बना रखा है। देखो इस तरफ दिखाती हूँ, ये नकली गाय है। हाँ ये पूरा एक बना रखा है, ये उस दिन रात में दिखाया था आपको, शायद समझ में नहीं आया होगा। विवेकानंद जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, और जे साहब मेरे हिसाब से कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले वल्लभ भाई पटेल जी, ये स्वामी नारायण जी है, अंबेडकर जी भी लगे रहते हैं। हाँ वो अंबेडकर जी है जी, मेरे हिसाब से जलाराम बापा होंगे। लिखा नहीं है, पहचान नहीं रहे। सुभाष चंद्र बोस जी। ये बढ़िया मौसम, अभी भी बढ़िया मौसम है। टाइम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। सोचिए 12:10 पे इतना प्यारा मौसम है, यहाँ पे मजा आ रहा है। रास्ते में बादल चल रहे हैं, कभी बारिश हो सकती है। हाँ तो हम आ गए हैं अमरेली, ये है अमरेली। हम देख रहे हैं चाय का खाना, चाय की टपरी, टपरी। हाँ अच्छी होगी, घोटने वाली बन रही ना। हाँ तो हम यहाँ पे पियेंगे चाय, लग रहा है चाय आ रही है, ये ला रहे हैं चाय। थैंक यू, चाय बहुत अच्छी है। हाँ हमने दो दो कप चाय पी लिए, शिव उठ गए, फिर ने सुसु कर लिया। हाँ और परी अभी तक सो रही है। टाइम क्या हुआ है? अरे नहीं देखा मेरे पास, सनलाइट ज्यादा है। ओके टाइम हुआ है 12:36 पे हमने अमरेली में चाय पी और अभी निकल रहे हैं गांधी धाम के लिए। ये आ गया है राजकोट, एज यू कैन सी लिखा है आई लव राजकोट। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि परी को कुछ लेना था खाने वाने के लिए, तो ले लिया है, आ रही है वो। अमरेली से राजकोट तक का सुपर गजब हाईवे, एकदम स्मूथ, एकदम मौसम भी बढ़िया रहता है और हाईवे भी अच्छा है। अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये एक और चॉकलेट पान ले लिया हमने, चॉकलेट पान अच्छा है, हमने अभी खा के देख लिया था। परी खा रही है। ए, क्या खा रहे? अच्छा पत्ती गुलाब, गुलाब की पत्ती खा ले, कोई बात नहीं, खा ली जाती। रहने दो, फिर सारी पत्तियाँ खाएंगे, उन्हें क्या पता कौन सी खानी कौन सी नहीं। जो गुलाब मैंने इन्हें दिया था वो इन्होंने इसे दे दिया, इसने उसे दे दिया। बेटा मम्मी को दे दो गुलाब। अच्छा अच्छा खाने आए? हाँ पान खाने आए। ये है राजकोट, ये है राजकोट की नदी जिससे भैंसे तैर रही हैं। कहाँ भैंसे हैं? अच्छा पक्षी है, अच्छा भैंसे हैं, पक्षी हैं, पक्षी हैं। ये जो मैं कह रही थी स्मूथ रास्ता है, हाईवे है पूरा, और आई थिंक ये गांधीधाम तक है हाईवे पूरा। राजकोट भावनगर हाईवे है, अभी राजकोट मोरबी हाईवे चालू हो जाएगा, मोरबी गांधीधाम चालू हो जाएगा। तो रास्ता तो यहाँ से भी बढ़िया है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। अरे कोई गाना मत गाओ, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। सिंपोलो मतलब मोरबी, ठीक है। अब हम आ गए हैं मोरबी राजकोट हाईवे। 3 बजे का टाइम है और अभी भी गांधीधाम के लिए कितना टाइम बाकी है? 3 घंटे बाकी है। यहाँ से गांधीधाम का रास्ता 3 घंटे का बाकी है। ये हम चल रहे हैं मोरबी में, अभी भी सिंपोलो नहीं दिख रहा है मेरे, तो दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा सिंपोलो के लिए तो मैंने फिर सूट शुरू किया।
अच्छा ऋतिक रोशन आता है इसलिए। हाँ स्लो कर लो ना, भगाने लग गए। ये बना है न्यू ब्रिज, तो अभी यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग के लिए अरेंजमेंट हो रहे हैं, पाइप पाइप होल्स लग गए हैं, देख रहे होंगे आप इसमें। बस अब थोड़े दिनों में लाइटिंग भी हो जाएगी, तो डेवलपमेंट चल रहा है। यानी मोरबी हाईवे खत्म होने पे आया और हम मालिया से तरफ टर्निंग ले रहे हैं, मालिया से गांधीधाम। कितने बज गए हमें अभी? तो काफी टाइम हो गया। टाइम क्या हो गया? 4 बज गए। सवा दो घंटे का रास्ता बता रहा है और सुबह 10 बजे के हम लोग चले हुए हैं। ये हमने टर्न ले लिया है, कौन से हाईवे पे? मालिया हाईवे। पेट्रोल भरवाने का टाइम हो गया है। पेट्रोल टाइम नहीं होता। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है ये, सच में अच्छा। हाँ ये सॉल्ट वर्क्स यूनिट है, इसको बोलते हैं सॉल्ट की फार्मिंग, नमक की खेती। ये एरिया नमक के लिए फेमस है। ये पानी घूमता रहता है, ऐसे डक्ट बने होते हैं, घूम घूम के पानी का नमक कॉर्नर पे आता है, उसको निकाल लेते हैं। थोड़े आगे चल के उसकी मशीनें बनी होंगी, वो मशीनें वो सब भी देखो आपको दिखेगी। बहुत बड़ा ये सॉल्ट एरिया है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है, इवन एक्सपोर्ट भी होता है ये सॉल्ट। ये देखो मशीनें लगी आगे और फेर होंगे, ये पानी ऐसे चलते चलते घूमते घूमते सूखता है, ऊपर नमक आ जाता है। ये टू वे नहीं है, ये वन वे है। ये देखो इस तरफ से जाने जाने का, उस तरफ से आने आने का, देख रहा होगा वो रास्ता दूसरा। वहां से जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, पर उधर से उधर जाते, इधर से इधर जाते। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। ये मस्ती के, फुल मस्ती के मूड में है ये लड़का, देखो। आई डोंट नो ये क्या करना चाहता है, क्या करना है तेरे को? डेवलप।